welcome to all my active and energetic students i hope you all will be active and energetic like always so again i am here with my next topic that is about passive voice of future tense in previous lecture we have studied about the passive voice of present tense and passive voice of past tense so हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस के पेसी वॉइस पढ़ लिए थे उसके अलावा हमने वॉइसिस का इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया है कि वॉइसिस किसे कहा जाता है अब हमने लास्ट टेंसीज यानी फ्यूचर टेंसीज के पेसी वॉइस के बारे में पढ़ना है सो चले अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं पेसी वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी डेट वॉट इज वॉइसिस या वॉइसिस आर दस टेंसिस डेटैट और सब्जेक्ट इज एक्टिव और पेसिव तो वॉइस हमारे पास इस तरह की एक ग्रामर की कंडीशन जिसके अंदर बताया जाता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है या फिर पेसिव है जिसके अंदर हमें लास्ट टाइम प्रेजेंट के पेसी वॉइस पढ़े पास के पेसी वॉइस पढ़े और अब हम पढ़ने जा रहे हैं पेसी वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस तो फ्यूचर टेंस हमारे पास कौन से सेंटेंसेज होते हैं फ्यूचर टेंस हमारे पास इस तरह के सेंटेंस है यानी वो सेंटेंसेज जो हमें एक्शन जो आगे आने वाले वक्त में जो एक्शन परफॉर्म होना है उसके बारे में बताते हैं सो so, चले सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे ऑब्वियसली फ्यूचर है तो फ्यूचर के भी हमें हर टेंसिस uh, की तरह फोर टाइप्स होंगी इसी तरीके से हमारे पास फ्यूचर टेंस में जो पहली पहली टाइप है वो हमारे पास है फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस आप लोगों को याद तो होगा फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस कहा किसे जाता है फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस का मतलब होता है इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें यह बताते हैं आने वाले वक्त में कौन सा एक्शन परफॉर्म होने जा रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस ठीक है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के एक्टिव वॉइस का फार्मूला भी है किरण आप लोगों का याद होगा जी आपको तो पता है हम लोगों ने सिंपल तो हमने पढ़ना है नहीं है हमने अपने एक्टिव वॉइस को भी साथ साथ रिपीट करना है एक्टिव वॉइस यानी जो सिंपल टेंसेज हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़े थे ठीक हो गया तो चले जी सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके एक्टिव वॉइस का फार्मूला एक्टिव वॉइस में क्या यूज किया जाता है पहले आता है हमारे पास लाइक ऑलवेज सब्जेक्ट और आपको पता है फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास विल और शैल और फ्यूचर इंडेफिनेट में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ की जाती है और एंड में हमारे पास यूज़ किया जाता है इसका ऑब्जेक्ट सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर द एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस अब हमने फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ना है तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले चीज़ इस्तेमाल की जाती है और हमारे पास क्या है या yeah, ऑब्वियसली सबसे पहले हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट उसके बाद आपको मेन फार्मूले के मुताबिक याद है हम लोगों ने क्या यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं फ्यूचर के विल और शल बट एडिशनल यहाँ पे एक और हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है जो कि हमारे पास क्या है बी ठीक है ऑब्जेक्ट विल और शल प्लस में यूज़ किया जाता है बी और पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है जी पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है और एंड में हमारे पास आ जाता है बाय और सब्जेक्ट इन इट्स ऑब्जेक्टिव केस तो ऑब्जेक्ट विल शेल बी वर्ब इन थर्ड फॉर्म और इनमें हमारे पास आ गया बाय उसके बाद सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर तो ये हमारे पास पैसे वॉइस का फार्मूला बन गया किसके पैसे वॉइस का फ्यूचर इन टेंस के पैसे वॉइस का तो चले हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो एग्जाम्पल के अंदर हम लोग सेंटेंस ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल वी वही के साथ पहले तो मुझे ये बताएं शल लगेगा या विल लगेगा या yeah, हम लोगों ने जब एक्टिव वॉइस पढ़े थे यानी टेंसिस पढ़े थे फ्यूचर टेंस के तो हमने सीखा था कि जस्ट आई और वी के साथ हम लोग शल लगाते हैं बाकी सबके साथ हम विल लगाते हैं सो so, हमारे पास आ गया वी तो वी के साथ हम लोगों ने क्या लगाना है शल वी शल पोस्ट ठीक है वी शल पोस्ट अ लेटर यह हमारे पास एक सेंटेंस है किसका फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का इसी तरीके से हम लोग फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के एक्टिव वॉइस इसका एक और सेंटेंस लिख लेते हैं शी विल गिव यू अ लेटर ठीक है हमने दो तरह से एक सेंटेंस लिख लिया वीश पोस्टल लेटर और सेकेंड हमने लिख, लिख लिया शी विल गिव यू अ लेटर इसको लिखने की वजह भी हमारे पास कुछ है ठीक है इसको लिखने की वजह क्या है ताकि आपको दो प्रोनाउन भी हैंडल करने आ जाए तो पहले तो मुझे ये बताया इसमें सब्जेक्ट कौन सा है वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है जी हमारे पास यहाँ पे शी जो है वो क्या है सब्जेक्ट है ठीक है बिकॉज लैक्टर कौन दे रहा है हमारे पास शी और गिव हमारा क्या है वर्ब है और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है अब देखिए ज़रा हम किस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं बड़ा इजी हो जाएगा ठीक हो गया अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें पहले क्या लेके आना है अ लेटर लेटर फिर हमारे पास विल लगेगा विल के पास हमने क्या लगाना है बी वह अब थर्ड फॉर्म गिव के थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है गिवेन अ लेटर विल बी गिवेन बाय ठीक है और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है शी शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाम क्या होता है हर ओ ओ तो फिर यू कहाँ गया ठीक है तो यू हम लोग किस तरीके से एंड में लगा लेते हैं टू यू ठीक इसकी सी इसका मतलब सेंस बनाने के लिए हमने टू का इस्तेमाल किया है देखिए जैसे कि शी विल गिव यू लेटर आपको वो लेटर देगी लेटर विल बी गिवन बाय हर उसके जरिए एक लेटर दिया जाएगा ठीक है एक लेटर उसके थ्रू दिया जाएगा किसको टू यू आपको इसलिए हमने यहाँ पर टू का इस्तेमाल किया है अतर वह सिंपल सेंटेंसेस में हम लोग नहीं करते एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपके आसानी के लिए शैल पब्लिश एंड आर्टिकल इस तरह का सेंटेंस हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी एक बार लिख चुके हैं ठीक है आई शोड पब्लिश एन आर्टिकल इसमें हमारे पास आए क्या है सब्जेक्ट है पब्लिश क्या है हमारा वर्ब है और एन आर्टिकल हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है सो दिस इज अवर ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें एन आर्टिकल यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अच्छा ये याद रखिएगा ये मैं एक्टिव वॉइस लिख रही हूँ और ये हमारे पास क्या है पैसिव वॉइस एज वेल ये हमारे पास एक्टिव वॉइस देन उसका पैसिव वॉइस बनाया गया था ठीक है आई शोड पब्लिश एन आर्टिकल तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा एन आर्टिकल ल बी पब्लिश्ड वर्क के थर्ड फॉर्म फिर आ जाएगा बाय और आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाम क्या है मी है एक बात याद रखेगा शल और विल का कॉन्सेप्ट इसके हाँ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा यहाँ प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर में ये बात में अगेन एंड अगेन समझा चुकी हूँ ठीक है अगर हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट के मुताबिक कोई हेल्पिंग का को इस्तेमाल किया गया है तो उसे अगले सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ करेंगे पैसे वो इसके अंदर यही ग्रामर के रूल्स है जो हमें हर हाल में फॉलो करने हैं तो ये मेरे पास सिंपल सेंटेंस है एंड आर्टिकल विल भी पब्लिश बाय मी तो ये बन गया पैसिव वॉइस किसका फ्यूचर टेंस का चले जी एक बात याद रखिएगा हमने यहाँ पे तो मैंने बता दिया आपको हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल बताया यहाँ पे बी क्यों आया है जैसे हमने लास्ट टाइम बींग पढ़ा था बींग क्यों आ रहा था कंटिन्यूस था? था बीन क्यों आ रहा था क्योंकि वर्क की थर्ड फॉर्म थी बिकॉज परफेक्ट था यहाँ पर बी भी, भी कुछ इसी सेंस के में इस्तेमाल किया गया है वो इसलिए क्योंकि फ्यूचर टेंस में यानी फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में वर्क की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है तो यहाँ पर तो हमने वर्क की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी थी तो आपको तो पता है ना नाराज हो जाता है हमारा वर्क तो हमने क्या किया यहाँ पर वर्क की हाँ जी फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में वर्क की फर्स्ट फॉर्म पूरी करने के लिए यहाँ बी का इस्तेमाल किया तो ये हमारे पास हो गया हाँ ऑब्जेक्ट विल शेड बी ऑफ थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट चलें जी ये हमारे पास सिंपल बन गए अफर्मेटिव अब हम इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रो की तरफ भी आ जाते हैं हमने यहीं पर अपना सारा टाइम नहीं लगा देना ठीक है तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके नेगेटिव के बारे में नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास कौन से होते हैं जी जिसमें किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव में रिस्पॉन्स किया जाता है मना किया जाता है या हमें पता है कि हम लोगों ने क्या करना है जी कुछ भी नहीं चेंज करना सिर्फ पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है अब हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट विल और शल क्योंकि पहले हमारे हेल्पिंग ऑफ विल एंड शल है तो हमने इसके बाद ही क्या कर देना है नॉट लगा देना है देन हमने लगा दिया बी ठीक है अगेन वर्ड फॉर्म। बाय और आखिर में हमारे पास आ गया सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर याद रखिएगा मैंने आपको बार बार कहा है कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि विल शेल बी के बाद नॉट लगा देते हैं नो जस्ट एंड जस्ट फर्स्ट हेल्पिंग ऑफ जिसके बाद हमने नॉट लगाना है ठीक है तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरीके से बन गया ऑब्जेक्ट विल एंड शेल नॉट बी वर्क थर्ड फॉर्म बाय और एंड में हमारे पास क्या आ गया सब्जेक्ट आ गया ठीक है अब हमारे पास सेंटेंस है एंड आर्टिकल विल बी पब्लिश्ड बाय मी इसका हम लोग नेगेटिव बना लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे क्योंकि पहले ही ऑब्जेक्ट तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट एंड आर्टिकल हमने एज इट इज लिख दिया ठीक है उसके बाद आर्टिकल के साथ हमने क्या लगाना है विल वो भी हमने लिख दिया जस्ट एंड जस्ट चेंजेस हमने एक में क्या करनी है विल के बाद हमने यहाँ पे ऐड कर देना है नॉट एन आर्टिकल विल नॉट बी बाकी सब कुछ सेम पब्लिश्ड बाय मी ठीक है एंड आर्टिकल विल नॉट बी पब्लिश्ड बाय मी जो ऊपर सेंटेंस है उधर उसका नेगेटिव ऑलर बना के देख ले अ लेटर विल नॉट बी गिवन बाय हर टू यू ठीक है इसी तरीके से हमारे पास जो हमने पहले पहले बनाया था वी शेल पोस्ट अ लेटर असल अ लेटर विल नॉट बी पोस्टेड बाय अस ठीक हो गया तो ये हमारे पास बन गया नेगेटिव अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव की ज़रा बताएं मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास इस तरह के जुमले होते हैं जिसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है सही है तो हमारे पास इंटेरोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं याद तो आप लोगों को होगा कुछ भी नहीं चेंजेस करते हैं सिर्फ और सिर्फ पहला हेल्पिंग को उठाकर सेंटेंस में सबसे पहले ले आते हैं ठीक है तो हमारे पास जो पहला हेल्पिंग वर्ब क्या है वो है विल एंड शल जो कि हम सेंटेंस में सबसे पहले लिया है बाकी सारा के सारा स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा यानी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है उसके बाद विल एंड शल इसमें से गायब हुआ है बाकी बी है वर्ब थर्ड फॉर्म बाय और एंड में आ गया सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर विल एंड शल ऑब्जेक्ट बी और थर्ड फॉर्म बाय और हमारे पास आ गया सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर तो बना लेते हैं हम इसका नेगेटिव सॉरी इंटेरोगेटिव किस तरीके से बनाएंगे हाँ जी अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें पहले क्या लेके आना है विल उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है एन आर्टिकल तो हमने यहाँ पर एन आर्टिकल लिख दिया फिर हमने लिख दिया बी थर्ड फॉर्म यानी हमारे पास आ गया पब्लिश्ड देन आ गया बाय देन आ गया मी विल एन आर्टिकल बी पब्लिश्ड बाय मी तो एंड में हमारे पास आ गया क्वेश्चन मार्क ठीक हो गया तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया अब हम बात करेंगे इसके ओबियसली इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस की इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास कौन से होते हैं जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है एंड जिसमें मना भी किया जाता है यानी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन क्या ऐसा नहीं होगा एस लाइक दैट ठीक है सो हमारे पास है ये इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है यानी वील ऑशन वो सबसे पहले ले आएंगे फिर इस्तेमाल करेंगे

नेगेटिव सेंटेंस का चले बना लेते हैं इन्टो नेगेटिव सेंटेंस सेंटेंस हमारा कहाँ गया सेंटेंस हमारा ये रहा एन आर्टिकल विल बी पब्लिश बाय मी अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें पहले क्या लेके आना है विल ठीक है ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है एन आर्टिकल उसके बाद हमने लगा दिया नॉट फिर लगा दिया बी वर्ब थर्ड फॉर्म यानी हमने लिख दिया पब्लिश्ड फिर आ गया बाय और सब्जेक्ट हमारे पास क्या था मी सो विल एन आर्टिकल नॉट बी पब्लिश बाई मी ये हमारे पास बन गया हमारा इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस तो इस तरीके से हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के भी पेसी वॉइस बनाना सीख लिया इसके साथ साथ हमने उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव बनाना भी सीख लिया बट आपको पता है हम जस्ट फार्मूलाज के ऊपर बिलीव नहीं करते हम लोग फार्मूलाज के बगैर भी पेसी वॉइस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोनेगेटिव इंट्रो बनाने की कोशिश करते हैं तो चलिए बना लेते हैं एक सेंटेंस कर लेते हैं फॉर एक्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस है एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस कुछ इस तरीके से है दे विल टेक इट दे विल टेक इट सिंपल सेंटेंस मैंने लिखता था कि आपको कोई मसला ना हो ठीक है तो ये तो हमारे पास एक्टिव वॉइस था अब बना लेती हूं मैं सामने इसका इसका पेसी वॉइस ये हमारे पास इसका एक्टिव वॉइस अब इसके सामने मैं इसका पेसी वॉइस बनाने जा रही हूं सेंटेंस है दे विल टेक इट सब्जेक्ट दे टेक वर्क इट हमारे पास क्या होता है इसका ऑब्जेक्ट तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम पहले इट लेके आते हैं उसके बाद विल फिर आ जाएगा बी टेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेक इन इट विल बी टेक इन फिर आ जाएगा बाय और एंड में हमारे पास हो जाएगा देम दे विल टेक इट इट विल बी टेकिन बाय देम ठीक है तो ये इसका पैसिव वॉइस बन गया अब पहले हम इसका नेगेटिव बनाएंगे फिर इसका नेगेटिव फिर इसका इंट्रोगेटिव फिर इसका इंटोगेटिव फिर इसका इंट्रोगेटिव इसका इंट्रोनेगेटिव फिर इसका इंट्रोनेगेटिव अल्लाह मुश्किल नहीं, नहीं है टेंशन नहीं रहनी आप लोगों ने देखिए हम लोग कितने इजीली बना लेते हैं हमारे पास सेंटेंस है दे विल टेक इट पहला हेल्पिंग कप इसके बाद नॉट लगा दो दे विल नॉट टेक इट बन में गया नेगेटिव टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं थी इसका नेगेटिव बनाना है इसका पहला हेल्पिंग कप क्या है विल ना इसके बाद नॉट लगा दो इट विल नॉट बी टेकन बाय देम बना नहीं बना कितने इजीली बन गया अब क्या बनाना इंट्रोगेटिव बहुत आसान है पहला हेल्पिंग अब पहले ले आओ हेल्पिंग अब क्या है विल दे टेक इट बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका क्या होगा इसका विल उठा के पहले ले आए कैसे हो जाएगा विल इट बी टेकिंग बाय देम इसका भी इंटरनेगेटिव बन गया मतलब इंट्रोगेटिव बन गया सॉरी इसी तरीके से इंट्रोनेगेटिव कैसे बनेगा विल देन नॉट टेक इट विल इट नॉट बी टेकिन बाय दैम बहुत 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 सिंपल है पैसिव वॉइस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव बनाना बल्कि पैसिव वॉइस के किसी भी सेंटेंस का हर चीज़ मतलब जो है वो आसान होती है बस डिपेंड किस पे करता है कि हम उसे किस तरीके से पढ़ते हैं तो यहाँ तक हम लोगों ने फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस क्लियर कर लिए हंड्रेड परसेंट क्लियर कर लिए फिर भी कोई आपका डाउट हुआ तो आपको तो पता है हम आपके लिए हर वक्त प्रेजेंट रहते हैं तो लास्ट टाइम आपको याद है ना हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े पर थे उसके बाद हमने पास इंडेफिनेट पास कंटिन्यूस पास परफेक्ट पढ़े पर थे लेकिन हमने किसी के परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं पढ़े थे उसकी वजह क्या थी उसकी वजह यह थी कि उसके ऊपर रूल्स अप्लाई नहीं होते इसी तरीके से अब हमने क्या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के पेशेवर्स पढ़ने मैंने तभी सोचा था कि आप लोगों को एंड में बताऊंगी ताकि आप लोग खुश हो जाओ शुरू में तो मैंने आपको बताया नहीं वो ये कि आपको पता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पेसी वॉइस होती ही नहीं है बनते ही नहीं है ठीक है बहुत रेयरली केस होता है कि अगर ऐसा पॉसिबल हो अदरवाइज किसी भी सूरत में ये बनते ही नहीं है क्योंकि इसके ऊपर भी रूल्स अप्लाई नहीं होता याद रखिएगा जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो टेस्ट में आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के टेंसीज देखे बोलेंगे कि चेंजिंग टू पैसिव वॉइस बट पढ़े लिखे लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के पेसी वॉइस नहीं बनते हैं ठीक है अब जब फ्यूचर टेंस के पैसे वैसे बनते ही नहीं है तो आपने नन का ऑप्शन चूज करना है आपने कोई और ऑप्शन चूज नहीं करना फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस हो इट विल बी रनिंग इट विल बी कमिंग इट विल बी टेकिंग टी ठीक है सिंपल से टेंस है शी विल बी टेकिंग टी और आपको दिया जाएगा दैट टी विल बीग टेकिंग बाय हर नो 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 इस तरीके से वो मतलब आपको उलझाएंगे आप नहीं उलझना फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के वॉइस किसी भी सूरत में नहीं बनेंगे ठीक हो गया फिर अब 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 क्या बनाना है हम लोगों ने अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से नहीं बनते वो हम इस वीडियो के अंदर इजीली सीख लेंगे चले जी सबसे पहले हम लोग फ्यूचर टेंस की हेडिंग तो लगा लें ताकि हम अपना अगला काम कर सके ठीक हो गया चले हम लोग यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं किसकी फ्यूचर परफेक्ट की चलें फ्यूचर टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिवर्स का फार्मूला तो आपको याद ही होगा लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिवर्स का फार्मूला पड़ा हुआ है और रिपीट भी हम लोगों ने सारी चीजें साथ साथ की हुई है तो भूलने का तो हमारा सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसा ही है ना चलें जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे एक्टिव वॉइस का फार्मूला जरा मुझे बताते जाएं फ्यूचर परफेक्ट में सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे सब्जेक्ट लगाएंगे परफेक्ट है तो परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैव हैज है एंड फ्यूचर है तो फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल है तो पहले फ्यूचर ना तो फ्यूचर का नाम पहले तो पहले इसके हेल्पिंग वर्ब भी, भी इसके पहले लगाने हम लोगों ने ठीक हो गया सब्जेक्ट आ गया फिर हमारे पास आ गया विल एंड शैल उसके बाद परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या है हैव सब्जेक्ट विल शैल हैव वर्क थर्ड फॉर्म और एंड में हमारे पास क्या आ गया था ऑब्जेक्ट तो ये हमारे पास बन गया था एक्टिव वॉइस का फार्मूला किसके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बट हमने तो एक्टिव वॉइस नहीं पढ़ना ना हमने इसकी क्या चीज़ सीखनी है हमने इसके पेसी वॉइस सीखने तो वो भी बहुत आसान है देखिएगा कैसे हम लोग सेकेंड्स के अंदर इसके पेसी वॉइस बनाना भी सीख लेते हैं तो पेसी वॉइस में सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ लगाते हैं हम लोग लगाते हैं ऑब्जेक्ट फ्यूचर के हेल्पिंग हमें दिए हुए हैं विल और शल उसके बाद हमें परफेक्ट का हेल्पिंग ऑफ दिया हुआ हैव इसके बाद एडिशनली हम यहाँ पे लगाएंगे बीन और परफेक्ट में आपको पता है हमेशा वर्क की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है फिर आता है हमारे पास बाय और एंड में हमारे पास आता है सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर ठीक है ऑब्जेक्ट विल एंड हैव बीन है थर्ड फॉर्म बाय एंड में हमारे पास क्या आ गया सब्जेक्ट आ गया तो ये हमारे पास बन गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पेसी वॉइस का फार्मूला बट कैन यू गेस कि हमने यहाँ पे बीन क्यों लगाया है वेरी गुड बिल हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमने वर्क की थर्ड फॉर्म का रूल पूरा करना है वर्क की थर्ड फॉर्म किस लिए पेसी वॉइज के लिए नहीं पेसी वॉइज के लिए मेन वर्क को हमने फॉर्म के अंदर रखा है हमने ये परफेक्ट का रूल पूरा किया है ठीक है तो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पेसी वॉइस बन गए पेसी वॉइस नहीं बने मतलब उसका फार्मूला लिख लिया मतलब रेसिपी आ गया तो हमारी डिश भी तैयार हो जाएगी देखिए किस तरीके से अब हमारे पास एक सेंटेंस है दे विल हैव अर बाइक सोल्ड किसकी थर्डफॉर्म है सेल के थेफॉर्म है फ्यूचर परफेक्ट नेंस या कोई भी परफेक्ट नेंस आते थे ना पेसी वॉइस में मुझे बड़ी खुशी होती थी वो इसलिए क्योंकि मुझे अभी थर्ड फॉर्म याद नहीं करनी पड़ती थी वो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी देख दी हुई होती थी ठीक है तो दे वी हैव सोल्ड देयर बाइक अब हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस का ठीक हो गया अब हमने बनाना है इसका पेसी वॉइस टेंशन ही नहीं है बड़ी जे तरीके से बन जाएगा ठीक है हमारे पास ये है सब्जेक्ट यह हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म और यह हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें पहले क्या लगाना है ऑब्जेक्ट मैंने पहले ही कहा था कि ऑब्जेक्ट के साथ या कोई भी नाउन होगा तो नाउन के साथ वाला कोई भी एडजेक्टिव हो या कोई भी प्रोनाउन हो वो भी हमने साथ में ही इस्तेमाल करना है इसी तरीके से यह हमारे पास देयर बाइक वी इसके साथ आएगा मतलब देयर बाइक के साथ आएगा देयर बाइक विल फिर हैव उसके बाद अकॉर्डिंग टू फार्मूला बीन

हाँ जी पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं तो इसमें भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे हमारे पास पहला हेल्पिंग वर्ब क्या है विल एंड शल तो हमने ऑब्जेक्ट एज इट इज़ लिख दिया फिर हमने लिख दिया विल और शल क्योंकि इसमें देखिए तीन हेल्पिंग वर्ब है तो मैंने पहले ही कहा था कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दो भी आएंगे तीन भी आएंगे ठीक है तो हम लोगों ने किसी और को नहीं सिर्फ पहले हेल्पिंग वर्ब को देखना है ऑब्जेक्ट हो गया विल और शल हो गया प्लस में हमारे पास आ गया नॉट ठीक है फिर हमने लिख देना हैव फिर हमारे पास आ गया बीन देन हमारे पास आ गया वर्ब थर्ड फॉर्म फिर आ गया बाय और एंड में आ गया सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर ठीक है ऑब्जेक्ट विल एंड शल नॉट बीन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय और फिर आ गया सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर तो कितने सिंपल तरीके से हमने इसका नेगेटिव बना लिया है तो भाई हमारे पास जो ऊपर सेंटेंस दिया गया है उसका भी नेगेटिव बना लेते हैं ठीक है यहाँ पे मैं एग्जांपल मेंशन कर देती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज जाते हैं वरना सही है सो दे बाइक विल हैव बीन सोल्व बाय देम अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने पहले ऑब्जेक्ट लगाना है ऑब्जेक्ट हमारे पास है देअर बाइक इसके साथ हमने विल लगाना है उसके बाद हमने यहाँ पर क्या ऐड कर देना नॉट बाकी सारा स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा क्या स्ट्रक्चर है हमारा हैव been sold by them जब आई विल नॉट हैव बीन सोल्ड बाय देम तो ये बन गया इसका नेगेटिव तो नेगेटिव तो हमें बन गया है अब इस नेगेटिव बनाने के बाद आते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर जी बना लेते हैं हम अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना कौन सा मुश्किल है ठीक है तो यहाँ पर हमने लिखा हमारा इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं हाँ जी जिसके अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है तो अब हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं हमारे पास जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हम लोग सबसे पहले ले आते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है विल और शल तो हम विल और शल को पहले ले आए उसके बाद हमने लगा दिया हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगा दिया हैव उसके बाद हमने लगा दिया बीन देन हमने लगा दिया वर्ब इन थर्ड फॉर्म फिर हमने लगाया बाय और एंड में लगा दिया अपने सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर ठीक है सब विल और शल ऑब्जेक्ट हैव बीन वर्क थर्ड फ्रॉम बाय और फिर हमारे पास क्या आ गया सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर तो यह हमने बना लिया है इंटेरोगेटिव फार्मूला स्किन टेरोगेटिव का बनाया फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पेसिव स्केरोगेटिव का हमने बना लिया है फार्मूला इजीलिए बन जाएगा हम आगे भी चल रहे थे हमारे पास सेंटेंस क्या था हमारे पास सेंटेंस कुछ इस तरीके से देयर बाइक विल हैव बीन सॉल्व बाय दैट ठीक है अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने पहले क्या लिखना है विल ठीक है विल हमने लिख दिया फिर हमने लिखना है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है देयर बाइक तो हमने देयर बाइक भी लिख देना है विल देयर बाइक फिर हमारे पास हैव अच्छा कुछ कैसेज के अंदर मे भी हमें हैव से हैज भी करना पड़े एज लाइक देखिए अब हमारे पास यहाँ पे बाइक है तो बाइक सिंगुलर नाउन है ना तो हो सकता है इसके अंदर समटाइम आपको हैज का भी इस्तेमाल करना पड़े ठीक है सो विल देयर बाइक हैज बीन सोल्ड बाय देम विल देयर बाइक हैज बीन सोल्ड बाय देम तो ये हमारे पास बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस ठीक है किसके इंट्रोगेटिव का पेसिव वॉइस ऑफ दी फ्यूचर परफेक्ट टेंस याद रखिएगा आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आप लोग ग्रामर सीखेंगे मैंने अगेन एंड गेट कहा है कि कोई भी लेक्चर आप ले लें ग्रामर इज़ आल अबाउट योर प्रैक्टिस आपने ग्रामर के अंदर उसकी प्रैक्टिस लास्ट में करनी है वरना के तमाम के तमाम लेक्चर जो हैं वो आपके वेस्ट हो जाएंगे सो कंटिन्यू योर प्रैक्टिस एज यू कैन जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस आपने अपनी जारी रखनी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास बन गया अब आ जाते हैं हम इसके इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर ठीक है इंट्रो नेगेटिव का फार्मूला बनाना भी हमारे पास बड़ा आसान है हम लोगों ने क्या करना है हमारे जो भी हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में सबसे पहले लिख देना है हेल्पिंग हमारे पास क्या है विल और शल तो विल और शल हमने सबसे पहले लिख दिया उसके बाद हमने लगा देना है ऑब्जेक्ट चले जी ऑब्जेक्ट भी लगा दिया बिकॉज नेगेटिव है तो नेगेटिव हो और नॉट ना हो तो भाई नॉट तो गुस्सा हो जाएगा ना नॉट का आना तो सबसे पहले लाजमी है सो विल और शेल हो गया ऑब्जेक्ट आ गया उसके बाद नॉट आ गया फिर हमारे पास आ गया हैव फिर आ गया हमारे पास बीन देन आ गया हमारे पास वर्क की थर्ड फॉर्म फिर हमारे पास आ गया बाय और एंड में आ गया हमारे पास सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर विल एंड शेल ऑब्जेक्ट नॉट हैव बीन वर्क थर्ड फॉर्म बाय और एंड में आ गया सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस ठीक है तो ये हमारे पास बन गया इंट्रो नेगेटिव यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फार्मूला नेगेटिव इंट्रोगेटिव किसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वॉइस का तो जो हमारे पास एग्जाम्पल है उस हम इस एग्जाम्पल की मदद से इस का पैसिव वॉइस भी बनाकर देख लेते हैं देखिए अब हमारे पास क्या है देयर बाइक बट हमने देयर बाइक नहीं लगाना हमारे पास फार्मूला विल और शल है ना तो हमने पहले क्या लगाना है विल फिर उसके बाद हमने लगाना है देयर बाइक ठीक है अकॉर्डिंग टू फार्मूला विल और में से एक चीज़ चूज करनी थी हमने विल लगा दिया फिर ऑब्जेक्ट लगाना था ऑब्जेक्ट हमने क्या लगाया देयर बाइक उसके बाद हमने क्या लगाना था नॉट तो ये ले जी नॉट भी एड हो गया नॉट के बाद हमने क्या लगाना है फार्मूले के मुताबिक हैव तो हमने हैव भी लगा दिया फिर हमने लगाना है बीन तो हमने बीन भी लगा दिया उसके बाद आपके थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या थी सोल्ड वो भी एड हो गई बाय लगाया और सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आना था और हमारे पास यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट कौन सा है वो है दैम ठीक है विल दियर बाइक नॉट हैव बिन सॉल्व बाई दे तो एंड में हमने क्या पुट करना है एंड में हमने यहाँ पर लगाना है एक क्वेश्चन मार्ग तो ये जी हमारा सेंटेंस बन गया है इंट्रोनेगेटिव का किसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पेशी हुए इसका बट आपको तो पता है ना हमें ऐसे सुकून नहीं मिलना जब तक हम बिना फार्मूला के इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोनेगेटिव बनाना नहीं सीख लेते तो चले एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल की मदद से हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंटरनेगेटिव बनाना भी सीख लेंगे चलें ही प्रोनाउन हमने बहुत कम इस्तेमाल किया है जब मैं पढ़ाती थी तो मुझे बच्चे भी यह कहते हैं प्रोनाउन बहुत कम इस्तेमाल करती हैं ठीक है तो चले यहां पर भी हमने यहां पर ही का ही प्रोनाउन इस्तेमाल कर लिया ठीक है so, सो ही के सामने क्या लगा देना है विल ही विल प्ले अ गेम ठीक है ही विल प्ले अ गेम नेक्स्ट सेंटेंस में आप लोगों के लिए इसलिए साल लिखती हूँ ताकि आप लोग तो है ना वो तंग ना आ जाए पेसी वॉइस की प्रैक्टिस कर करके ठीक है ही विल प्ले आ गेम अब बनाना है हमने इसका पेसी वॉइस इसका पेसी वॉइस कैसे बनेगा ये हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हम्म और ये हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट याद रखेगा ये मैंने सिंपल लिखा है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का ठीक है अभी हमने इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर कन्वर्ट करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है पहले हमने लगा देना ही ही के लगा देना है विल फिर हमने लगा देना है, यहाँ पे हैव फिर लगा देनी है वर्क की थर्ड फॉर्म जो कि हमारे पास क्या है प्लेट और एंड में मैंने लगा दिया यहाँ पर गेम ठीक है तो हमने यहाँ पर इस तरीके से फ्यूचर इनडेफिनेट से फ्यूचर परफेक्ट बनाना भी सीख लिया कुछ चेंज नहीं करना जस्ट विल के बाद हैव लगा देना है वर्क की थर्ड फॉर्म कर देनी है तो फ्यूचर इनडेफिनेट फ्यूचर परफेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा तो ये तो हमारे पास हो गया ही विल हैव प्लेड अ गेम बना लेते हैं हम इसका नेगेटिव नेगेटिव किस तरीके से बनेगा कि हमने इस विल के बाद क्या लगा देना है नॉट लगा देना है ही विल नॉट फिर हमने लगा दिया हैव प्लेड अ गेम ये इसका सिंपल नेगेटिव बन गया इसका इंट्रोगेटिव सिंपल कैसे बनेगा अभी तक हम एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं याद रखेगा है, हम लोग पेशी वॉइस पर भी नहीं आए विल ही हैज प्लेड अ गेम और इंट्रो नेगेटिव कैसे होगा विल ही नॉट हैव प्लेड अ गेम और इंट्रोगेटिव के दोनों के अंदर हमने एंड में क्या लगा दिया है क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ये हमारे पास सिंपल एक्टिव वॉइस की रिपीटेशन चल रही थी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ठीक है अब हम इसके पेसी वॉइस बनाएंगे पेसी वॉइस में ये सब्जेक्ट ये वर्ब योर ऑब्जेक्ट तो ये हमारे पास पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास क्या है आ गेम तो मैंने यहाँ पर आ गेम लिख दिया अब इसके बाद जो है ना यहाँ से इस पोर्शन के बाद हम इसके पेसी वॉइस बनाने जा रहे हैं ये जो चीज़ थी हमारे पास सिंपली किसके लिए थी एक्टिव वॉइस के अंदर अब नीचे वाला पोर्शन हमारे लिए सिंपली किसके लिए है पेसी वॉइस के अंदर है ठीक है तो मैंने सेंटेंस बना लेना है पेसी वॉइस का अगेम विल हैव बीन प्लेड बाय और ही uh, का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास क्या है हिम अगेम विल हैव बीन प्लेड बाय हिम ये मैंने बना लिया सिंपल हम्म पेसी वॉइस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ऑब्जेक्ट विल हैव बीन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय और एंड में मैंने लिख दिया सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव प्रोनाम अब आ जाते हैं इसके नेगेटिव पर नेगेटिव में हम सिंपली क्या करते हैं इसी पहले हेल्पिंग के बाद नॉट लगा देते हैं यानी विल के बाद हमने क्या लगा देना है नॉट लगा देना है तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा अगेन विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय हिम ये बन गया हमारे पास इसका नेगेटिव अब बात आते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव के अंदर इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे विल को उठा के पहले ले आएंगे सो so ये हमारे पास कुछ तरीके से हो जाएगा विल अगेन हैव बीन प्लेड बाय हिम और एंड में मैंने क्या पुट कर दिया क्वेश्चन मार्क अब बात आते हैं इसके इंट्रो नेगेटिव के अंदर इंटोनेगेटिव में हमने क्या कर दिया विल लगा दिया, दिया. अगेम उसके बाद लगा दिया नॉट हैव बीन ही मैंने लगा दिया प्लेट बाय हिम तो यह मेरे पास बन गया इसका इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस और यह पोर्शन हमारे पास किस लिए था जिस पोर्शन इज फॉर देश वाइस ठीक है यह पोर्शन हमारे पास किसके लिए था पेसी वॉइस के लिए था तो यहाँ तक होपफुली कि आपको क्लियर होगा किस तरीके से एक्टिव वॉइस वाइस बनना और किस तरीके से पेसी वाइस बना अब जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो टेस्ट में वो किस तरह से आपसे पूछेंगे या तो वो क्या करेंगे इसका पेसी वॉइस बनाया होगा बीच में हैव गाइब कर देंगे या इसका पेसी वॉइस बनाया होगा फ्यूचर परफेक्ट एंसर बीच में से बीस स्किप कर देंगे या वर्क की थर्ड फॉर्म के बजाय वर्क की सेकंड फॉर्म वर्क की, की फोर्थ फॉर्म वर्क वर्किस मतलब फर्स्ट फॉर्म देके आपको कंफ्यूज करेंगे और इसी तरीके से कहीं पर आई के साथ विल लगा देंगे कहीं पर वी के साथ विल लगा देंगे तो आपने क्या करना है इसमें किसी भी सूरत में कंफ्यूज नहीं होना आपने जस्ट हेल्पिंग ऑफ याद रखना है मैंने पहले कहा कि यहाँ पे फ्यूचर के लिए विल और शल है परफेक्ट के लिए हैव है और वो आपके थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए बीन है और ये थर्ड फॉर्म पेशी वॉइस का रूल कंप्लीट कर रही है और जब भी आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश करें तो आपको बस फार्मूले के नाम और बस जैसे ना बस तस्वीर पढ़नी शुरू कर देनी है फार्मूले फ्यूचर है तो विल इट शल है परफेक्ट है तो हमारे पास हैव और हैज का होना लाजमी है जब आप इस से मतलब हेल्पिंग वर्ब्स को याद रखेंगे तो कोई भी वॉइस आप लोगों के लिए किसी भी सूरत में मुश्किल नहीं होगा जस्ट वी हैव टू रिमेंबर बिल्कुल जस्ट वी हैव टू रिमेंबर हेल्पिंग वर्ब क्योंकि वॉइस के अंदर सारा सारा रोल्स हमारे मतलब किरदार अदा कर ही हेल्पिंग वर्ब रहे होते हैं जैसा कि हमने शुरू शुरू में पढ़ा था कि सब स्ट्रक्चर सेम रहता है सारा के सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है एक माइनर से तब्दीली भी नहीं आती है सवाए वो तब्दीली किसकी होती है जस्ट हेल्पिंग वर्ब्स की होती है तो आप लोग जितने ज़्यादा अच्छे से हेल्पिंग वर्ब्स याद करेंगे और वर्ब की फॉर्म्स एक्टिव वॉइस के लिए याद करेंगे पेसिव वॉइस के लिए याद करेंगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा ठीक है बिकॉज समटाइम्स कुछ वर्ब्स की फॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जो हम लोग याद नहीं करते तो उसका भी आपने ख्याल रखना है ठीक है सुधीश बोज माई सिम्पल लेक्चर अबाउट द पेसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा इंस्टेंट ऑफ डेट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क एनी टाइम वी आर अवेलेबल फॉर यू ऑल टाइम जब भी आपका दिल कर चाहे जहां भी मेरे स्टूडेंट्स को कोई कन्फ्यूजन नजर आए दे में आस्क ठीक है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा खेल कूद के साथ स्टडी नहीं छोड़िएगा और इंग्लिश तभी आएगी जब आप बोलेंगे आप प्रैक्टिस करेंगे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश ठीक है सो यहाँ पर हमारे तमाम के तमाम पेसी वॉइस का एंड हो गया हमने सारे पेसी वॉइस पढ़ लिए हमने सारे एक्टिव वॉइस पढ़ लिए अब इनशाला अगले लेक्चर के अंदर हम नरेशन स्टार्ट करेंगे नरेशन के बेसिक टूल्स पढ़ेंगे बिकॉज़ वो भी हमारे लिए ग्रामर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब तक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो शेयर करते हैं तब तक आप बेसिक वॉइस की और टेंसिस की बहुत सारी प्रैक्टिस करें बिकॉज़ अगर आपको ये अच्छे से आएंगे तो ही आप बाकी चीज़ें सीख सकेंगे और फ्यूचर जो वॉइस हैं हमारे पास उसके लिए मैंने कुछ और फैक्ट्स पर भी वीडियो बनाई हुई है वो भी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं लिंक के शेयर कर दूँगी इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर ठीक है तो प्रैक्टिस करते रहेगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे नहीं इजाज़त अल्लाह हाफिज़